आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 55,051 पहुंच गया है, वहीं 747 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। अक्टूबर माह में मौसम का मिजाज सामान्य नहीं है। देहरादून समेत अन्य मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक बना हुआ है। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद अक्टूबर माह में भी मौसम का मिजाज सामान्य नहीं हो रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून समेत अन्य मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। देहरादून में शनिवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आज इसमें कुछ कमी देखी गई है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश में आज कितना बदला पेट्रोल डीजल का दाम, जाने अपने शहर के रेट। राजधानी में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। वही बात अगर नैनीताल की करें तो यहां पेट्रोल के दाम मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81.87 रुपए, वहीं आज के दाम है 82.09 रुपए। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 70.99 रुपए, वहीं आज के दाम है 71.20 रुपए। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 81.47 रुपए, वहीं आज के दाम है 81.47 रुपए। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 70.62 रुपए, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 82.13 रुपए, वहीं आज के दाम है 82.19 रुपए। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 71.14 रुपए, वहीं आज के दाम है 71.13 रुपए। जाने देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 रुपए के सिक्के का अनावरण करेंगे। ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया के 100वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 रुपए के सिक्के का अनावरण करेंगे। राजनाथ सिंह 8 सेतुओं का करेंगे लोकार्पण। हीरक परियोजना अंतर्गत पिथौरागढ़ में निर्मित 8 सेतुओं का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। हाथरस केस में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। हाथरस केस में इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। अदालत ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया है। राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक। देहरादून स्थित सचिवालय में दोपहर 12 बजे ग्राम विकास विभाग की राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता राइडर्स से होगा। आईपीएल 2020 के 13वें सीजन के 28वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से शारजाह में खेला जाएगा। औली में आईटीबीपी के जवानों ने चलाया स्वच्छता अभियान। औली स्थित पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में उप महानिरीक्षक प्रधानाचार्य गंभीर सिंह चौहान एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार के नेतृत्व में औली के ढलानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें संस्थान के विभिन्न रैंकों का लगभग 150 अधिकारी और जवानों ने भाग लिया। वहीं विकास नगर में कटापत्थर में पिकनिक मनाना पड़ा महंगा, यमुना में बहा युवक। कटापत्थर क्षेत्र में पिकनिक मनाने आए एक युवक यमुना नदी में बह गया। युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। गंगा में नहाते वक्त दिल्ली का युवक डूबा, तलाश जारी। तपोवन के पास नीम बीच पर दिल्ली से आए एक युवक गंगा में डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ को बुलाकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन देर शाम तक युवक का कुछ पता नहीं चल सका। दुकान में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, परिजनों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। जसा गांजा क्षेत्र में एक दलित समाज के नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप पीड़िता के पड़ोस में नाई की दुकान चलाने वाले दूसरे समुदाय के युवक पर लगा है। नाबालिग के भाई ने इस पूरे मामले की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस परिजनों की मदद से युवक को पकड़ कर कोतवाली ले आई है। घर से बाजार गई युवती, रहस्यमय ढंग से लापता, खोजबीन तेज। कोतवाली के खताड़ी मोहल्ले में घर से बाजार खरीदारी करने गई युवती रहस्यमय ढंग से लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों ने युवती की खोजबीन शुरू की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मामला सामने आते ही पुलिस ने युवती की खोजबीन शुरू कर दी है। नाबालिग किशोरी 5 दिन से लापता, अंधेरे में हाथ पैर मार रही पुलिस। धनौरी चौकी क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग किशोरी के लापता होने के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। घटना के 5 दिन होने के बाद भी पुलिस को किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला है, जिसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव कर जल्द किशोरी को खोजने की मांग की है। तोता घाटी में पहाड़ी से बोल्डर गिरने से पोकलैंड चालक घायल। तोता घाटी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिरने शुरू हो गए, जिसकी चपेट में आकर एक पोकलैंड चालक घायल हो गया। फिलहाल घायल चालक को इलाज के लिए CHC देवप्रयाग भर्ती किया गया है।
गुरुद्वारे से घर लौट रहे युवक को पर बदमाशों ने झोंकी फायर, दो घायल। यूपी के बिलासपुर गुरुद्वारे से मत्था टेक कर रुद्रपुर लौट रहे तीन युवकों पर कार सवार बदमाशों ने फायर झोंक दी, जिसमें दो युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को तीसरा युवक रुद्रपुर के निजी अस्पताल लेकर गया, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस और परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंची यूपी पुलिस जानकारी जुटाने के साथ ही मामले की जाँच में लग गई है। प्यार की खातिर नाबालिगों ने रचा अजब खेल। प्यार की खातिर नाबालिग लड़का लड़की पहले पति पत्नी बन गए, फिर भागने से पहले किसी को शक ना हो इसके लिए एक बच्चे को भी अपना बेटा बनाकर साथ लेते गए। तीनों ने मिलकर इस दुस्साहसिक कार्य को बखूबी अंजाम दिया, मगर उनकी योजना असफल हो गई। एसओ डीआर आर्य ने बताया कि रविवार की सुबह तीनों नाबालिग को इनके माँ बाप को सौंप दिया गया है। उन्होंने बहुत से दुष्कर्म का किया प्रयास। ससुर ने अपनी बहू से दुष्कर्म का प्रयास किया। बहू ने जब ससुर की इस हरकत का विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। जब बहू के पिता व भाई उनको समझाने पहुंचे तो उनको भी बुरी तरह पीट दिया। पुलिस ने ससुर व दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का आदेश स्पष्ट होने के बाद होगा फैसला। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट को के रोक हटाने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन भर्ती कितने पदों के लिए होगी इस पर फैसला कोर्ट के निर्देशों के पूरे अध्ययन के बाद ही हो सकेगा। उम्मीद है अगले हफ्ते तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देहरादून में कल से अतिक्रमण पर चलेगा हथौड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी मशीनरी एक बार फिर अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए शहर को चार जोन में बांटा गया है। सभी जोन में तत्काल प्रभाव से अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण ध्वस्त करने का काम मंगलवार से शुरू कर दिया जाएगा। दुखद, पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष और ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष के सड़क हादसे में मौत। प्रदेश भाजपा में विशेष आमंत्रित सदस्य और पूर्व बद्री केदार समिति के अध्यक्ष मोहनलाल थपलियाल और ओबीसी मोर्चा चमोली जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके बाद भाजपा में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि चमोली में पिपली कोटी के पास कार दुर्घटना होने से दोनों की मौत हो गई। रोड़की तहसीलदार समेत तीन की दुर्घटना में मौत। हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे 74 पर नजीबाबाद के पास पुल की रेलिंग तोड़ते हुए रुड़की तहसीलदार सुनैना राणा की गाड़ी पूर्वी गंगा में नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार तहसीलदार, उनके अर्दली और ड्राइवर तीनों की मौत हो गई। मसूरी के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की रौनक। मसूरी के पर्यटन स्थल रविवार को सैलानियों से गुलजार रहे। माल रोड पर भी अच्छी खासी भीड़ रही। मसूरी में कुछ दिनों तक और भी ज्यादा भीड़ रहने की उम्मीद है। कैंपटी फॉल में रविवार को पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी रही। बीएड परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करो। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अधीनस्थ शिक्षा विभाग में 571 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई, मगर बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम में देरी के चलते इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर अविलंब परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की है। हिंदू महासभा के नेता ने खुद को गोली से उड़ाया, पत्नी ने भी दी जान। आरके गार्डन रामपुर रोड निवासी प्रॉपर्टी डीलर और हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक ने रविवार सुबह खुद को गोली से मारकर जान दे दी। उनकी पत्नी ने भी जहर पीकर खुदकुशी कर ली। घटना का पता तब चला जब मकान पर नीचे फ्लोर पर रही प्रॉपर्टी डीलर की मां ऊपर पहुंची तो बेटे को खून से लथपथ और बहू को उसके पास पड़ा देखा। पुलिस ने मौके से जहर की शीशी और लाइसेंसी बंदूक बरामद की। दंपत्ति की खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस पहली नजर में लेनदेन का विवाद और पारिवारिक कलह के पहलू पर जांच कर रही है। 9वीं से 12वीं तक खुल सकते हैं स्कूल। उत्तराखंड सरकार 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने का फैसला ले सकती है। 14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में इस बाबत प्रस्ताव लाया जा रहा है। बीते रोज यूपी से 9वीं से 12वीं स्तर की कक्षाएं कुछ शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी दी। यूपी सरकार के फैसले से भी उत्तराखंड सरकार को बल मिला है। डीओ में स्नातक के लिए आज से ऑनलाइन दाखिले होंगे। कोविड-19 से उपजी स्थिति के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक कक्षाओं में सोमवार से ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू हो रही है। डीयू प्रशासन ने किसी भी छात्र या अभिभावक को कॉलेज या डीयू आने से मना किया है।